उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जैतपुरा गांव की ये तस्वीरें उस कथा की है जिसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री संबोधित करने पहुंचे हैं। 7 दिनों के कथा महोत्सव की तस्वीरें जिसमें लोग भगदड़ के बीच परेशान हैं, बेहोश होते लोग, घायल होते और करंट का शिकार होते लोग, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें देखकर लोगों ने कहा है कि आस्था में खुद का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। ग्रेटर नोएडा के जैतपुरा गांव में बागेश्वर सरकार की कथा के दौरान जिस तरह से भीड़ जुटी और उस भीड़ में जो अव्यवस्था हुई उसे लेकर पुलिस अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। बुधवार को बागेश्वर सरकार की कथा के दौरान मंच से लेकर नीचे तक जिस तरह से लोग खड़े रहे और जिस तरह से उमस भरी गर्मी में लोगों की तबीयत खराब होती रही उसे देखकर सबका मन विचलित हो गया। मंच पर बैठे बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपील करनी पड़ी कि जो लोग पांडाल के अंदर मौजूद हैं वो अपना ध्यान रखें, जो लोग सड़कों पर हैं वो अपने घर वापस लौट जाएं और अपने घर से ही कथा देखें। लेकिन पांडाल में जो अव्यवस्था हुई उसे देखकर सबका मन पसीज गया। एक दूसरे के बीच भगदड़ में फंसे लोग, घायल होते लोग, बेहोश होते लोग। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें देखकर आम आदमी भी ये कहने लगा कि बागेश्वर सरकार की महिमा तो ऐसी है कि वो कहीं से भी मिल जाए, लेकिन पांडाल में इस तरह की स्थितियों में जाना और भीड़ के अंदर बैठकर कथा को सुनना ये बात प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को शायद इसीलिए लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील करनी पड़ी कि मैं सबसे मिलने आऊंगा लेकिन भीड़ मत बढ़ाइए। ग्रेटर नोएडा के जैतपुरा गांव में हर दिन ऐसे ही हो रहा है। लाखों लोग बागेश्वर सरकार की कथा देखने के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन अव्यवस्था की स्थितियां बनी हुई हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें आम लोग विचलित दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सभी के सामने यही दिक्कत है कि बागेश्वर बाबा के दरबार तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे बाबा के दर्शन हो जाए। लेकिन दर्शन के बीच जो अव्यवस्था है आम आदमी उससे भी हलकान नजर आ रहा है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की है कि वो कथा को घर पर सुने। बागेश्वर सरकार के YouTube चैनल से लेकर Facebook अकाउंट तक सभी पर लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। इन सभी के बीच तस्वीरें ऐसी हैं जो बताती हैं कि बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता क्या है। नोएडा की ये तस्वीर जिसने ये बताया है कि आस्था सारे कष्टों पर भारी है। बागेश्वर बाबा के दरबार में इस तरह की तस्वीरें देखकर लोग सिर्फ इतना कह पा रहे हैं कि सरकार की महिमा इतनी है जो घर पर भी आशीष दे पाए। पांडाल में इस तरह परेशान होना बहुत अच्छा नहीं होता। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट। हमारा पक्का वचन है, हम तुमको मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। I promise you।